मंत्री है वो हमारी खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण की कोशिश कर रहा है, वो खुला घूम रहा है, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष। देखो आज हमारे इस धरने को अर्धशतक के 50 दिन पूरे हो गए, लेकिन ये तानाशाही सरकार है, जो यहाँ का सांसद है, जो यहाँ का विधायक है, उसके पेट में जरूर दर्द हो गया इस धरने को लेकर ने। वो गांव-गांव में उन्होंने घूमना शुरू कर दिया, सांसद ने भी और विधायक ने भी, लेकिन जो हमारी समस्याएं थी वो ज्यों की त्यों है। यहाँ पर बात तो हुई थी कि तहसीलदार लगा दिया, 10 दिन पहले SD मुचियाना ने हमारी कमेटी को बुला के बताया था कि हमने तहसीलदार स्थाई लगा दिया, लेकिन हमारे एक बुजुर्ग ने मजाक भी किया था, कहीं कौशल रोजगार के तहत तो नहीं लगया। हमें लगता वो कौशल रोजगार के तहत ही लगया था, क्योंकि 10 दिन होने के बावजूद भी आज तक उसने चार्ज नहीं लिया। हॉस्पिटल की बात करो तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, आज ज्यों की त्यों समस्या खड़ी है कि महिला डॉक्टर की अब भी कमी है, 2-4 डॉक्टर जरूर लगाए हैं, लेकिन बस स्टैंड की बात करो वो समस्या ज्यों की त्यों है। यहाँ पर सरकारी कॉलेज होना चाहिए था, तो राष्ट्रीय लेवल का कोई खेल स्टेडियम होना चाहिए था, तो समस्या तो ज्यों की त्यों खड़ी है। हमारी 30 साल पुरानी मांग थी कि ढाकल हेड से माइनर निकाल लिया जाए, जो सुदगणा हेड में और बरसोड़ा माइनर में डाल लिया जाए, जिससे 28 गाँव को फायदा होगा पानी का, नहरी पानी का। लेकिन जो हमारे महिला गुरुकुल खेड़ा है उसको इंडस्ट्री का दर्जा देने का काम करे सरकार, यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग लगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले, तो हमारी ये मांगे थी। ये इन मांगों की तरफ ना तो सांसद का कोई ध्यान, ना विधायक का कोई ध्यान, लेकिन जैसे विधायक ने गांव-गांव के जाके ये धरने के बारे में दुष्प्रचार जरूर शुरू कर दिया है, उसके बड़ी भारी तकलीफ है। कल उचियाना खुर्द में आया था सिर्फ गुमराह करने के लिए, हमारी जो राष्ट्रीय लेवल की लड़कियां जो खेलों में पदक ले आई है उनको 2,000 रुपये इनाम देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं सांसद महोदय से, भाई 2,000 तो एक दिन की खुराक नहीं होती, फिर सिर्फ लड़कियों को क्यों सम्मानित किया? हमें ये नहीं है भाई, लड़कियों को सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन साथ में लड़कों को भी तो करना चाहिए था। हमारे इलाके के अंदर प्रतिभा बहुत है, ये तो बात सांसद महोदय ने खुद मानी है कि प्रतिभा बहुत है, लेकिन यहाँ पर भाई जो सुविधा है खेल स्टेडियम की वो क्यों नहीं देना चाहते? द्रोणाचार्य है जो कोच है उनको क्यों नहीं लगाना चाहते? ये हमारा 1% सांसद महोदय से भी है और विधायक से भी है। विधायक का यहाँ 1 फरवरी का प्रोग्राम है, पहले भी गांव-गांव में गया, किसी गांव में भी एक पैसा नहीं दे के आया, और ना ही हमारी जो ये मांगे हैं जो ये लोग धरने पे बैठे ये उसको दिखाई दे रहे, लेकिन हमारे उचियाना की बदौलत, उचियाना हल्के की बदौलत वो डिप्टी CM की कुर्सी पर बैठा, इसलिए डिप्टी CM होने के नाते जो उसके लेवल की समस्या है उनको पूरा करवाने का काम करे, सरकार पर प्रेशर बनाने का काम करे, लेकिन उसकी नीयत और नीति दोनों खराब है। जिस प्रकार सरकार की नीयत और नीति खराब है, उसी प्रकार सांसद और विधायक की नीयत और नीति खराब है। इसलिए कल हम लोगों से अपील करते हैं कि जो 1 तारीख का प्रोग्राम है, जिस प्रकार कल प्रदेश की जनता, कई भाई कहते हैं धरनों से क्या होता है, धरनों से जागरूकता मिलती है, हम जागरूक हो चुके हैं, जो 13 महीने हमने किसान आंदोलन लड़ा उससे किसान मजदूर जागरूक बन चुका है। जिस प्रकार कल BJP सरकार को जो गुहाना के अंदर रैली थी वहां पर एक आईना दिखाने का काम किया, उस रैली का बहिष्कार करने का लोगों ने काम किया, रैली में सिर्फ 700-800 ही प्रदेश व देश से लोगों ने पहुंचने का काम किया, एक ये BJP सरकार के मुंह पे तमाचा है। और जो वहां पर अमित शाह जो केंद्र में गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए बहुत बड़ा चेहरा है, उन्होंने आना था, उन्होंने रैली को कैंसिल करना पड़ा, सिर्फ 1.5 मिनट के भाषण में वो भी मोबाइल पे 4 बातें कह के अपनी बात को खत्म करी उन्होंने क्या किया कि प्रदेश के अंदर इलेक्शन का समय है, हम 2000 की तैयारी में लग रहे हैं, ठीक है वो 2000 की तैयारी में तो लग रहे हैं, लेकिन बात क्या कही है कि कानून प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अगर कानून व्यवस्था बढ़िया है तो हमारी खिलाड़ी है उनके साथ यौन शोषण क्यों हो रहा है, क्यों यौन शोषण की कोशिश हो रही है? जब मंत्री ले एक मंत्री खेल मंत्री खुद हमारी खिलाड़ियों का यौन शोषण करता है, और जो बच्चियों ने हमारी आवाज़ उठाई सोनिया धोन ने, उसके साथ आपने देखा हुआ पेवा के अंदर क्या घटना घटी है, उसको एक बुजुर्ग गले में रस्सी डाल के उसको खींच रहा है, लेकिन उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा हमने
जब दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर मैराथन रेस के खटखट टोल से हरी झंडी दे के रवाना किया था, जबकि उस समय की बात क्या थी कि खेल कोटा खत्म किया गया था, हमारा खेल कोटे का विरोध था कि खेल कोटा फिर से बहाल करना चाहिए सरकार ने, उसी के लिए हमने उचियाणा से सद्भावना यात्रा निकाली थी, उसी को लेकर हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके सरकार को हमारी आवाज़ को दबाने के लिए अब उनके वारंट भी काट दिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वारंट तो दुष्यंत चौटाला के निकलने चाहिए, जिन्होंने 23 मार्च को शहीदी दिवस पर असली युवाओं को गुमराह करके बुलाया गया, इस चीज़ का मुकदमा दर्ज दुष्यंत चौटाला पर होना चाहिए, लगाने बजाने के लिए, शहीदों का अपमान करने के लिए। उल्टा हमारे को, हमने वहाँ पर गंगा जल छिड़क किया था, आह्वान यज्ञ किया था, आह्वान यज्ञ करने पर जो कि हमारी संस्कृति है हमारे पे तो मुकदमा दर्ज कर दिए, और दुष्यंत चौटाला खुला घूम रहा है, प्रदेश मंत्री है वो हमारी खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण की कोशिश कर रहा है, वो खुला घूम रहा है, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष जिन्होंने हमारी खिलाड़ियों के साथ यौन संबंध स्थापित किए हैं वो खुला घूम रहे हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं, जो आह्वानिया करते हैं किसान मजदूर के बेटे या हमारी महिलाएं हमारा साथ देती है उन पर मुकदमे दर्ज और उनके वारंट। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उचियाणा के लोगों से भी और करसंधु वाले भाइयों से भी, अगर दुष्यंत चौटाला आवे तो उसका बहिष्कार करो, उसका जो प्रोग्राम है उसके जाने से मना करो, अगर जाओ से उनसे प्रश्न जरूर पूछो भाई आपने उचियाणा हल्के के लिए क्या किया, जो हमारी मांगों को लेकर 50 दिन से हमारे बुजुर्ग इस कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हैं लगातार से, इस सर्दी में जो हमारी महिलाएं धरने पर बैठी है उनकी जो मांगे हैं सामूहिक मांगे हैं कि टैकल हेड से माइनर निकाला जाए, उसका वो कब लग निकल जाएगा, जो खेड़ा गुरुकुल यूनिवर्सिटी है उसको कब लग यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा, जो यहाँ पर खेल स्टेडियम कब लग बन जाएगा, यहाँ पर सरकारी कॉलेज कब लग बन जाएगा, बस स्टैंड पर ये जो यात्रियों के लिए सुविधा कब लग लागू हो जाएगा, तहसीलदार कब आया जाएगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर कब आया जाएगा, मंडी में यूरिया खाद की कब कमी पूरी हो जाएगी, जो हमारी सामूहिक समस्या उन पर पूछने का काम करो, अगर आप उनसे सवाल पूछोगे तो इनकी जवाबदेही बनती है आपको बताने की, अगर जवाब नहीं दे तो इनको भगाने का भी काम करो। ये हमारी करसिंधु के लोगों से भी और उचियाणा की जनता से अपील है, उसी प्रकार से आना दिखाए जिस प्रकार गोहाणा के लोगों ने दिया है, पूरे प्रदेश के लोगों ने किया।